आईपीएल ऑक्शन में मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और डैरिल मिचेल जैसे खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश हो गई। वहीं स्टीव स्मिथ, रेली रूसो, लॉकी फर्गुसन और मनीष पांडे जैसे कुछ खिलाड़ी थे जिन पर टीमों ने बिडिंग ही नहीं की। साथ ही कई खिलाड़ियों को उम्मीद के मुताबिक पैसे नहीं मिले। ऐसा माना जा रहा था कि चेतन साकरिया, ट्रिस्टन स्टब्स और रचिन रविंद्र जैसे कुछ युवा खिलाड़ियों को अच्छी खासी कीमत मिलेगी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं मिला। किसी को उम्मीद से ज्यादा मिल गया तो किसी को उम्मीद से बेहद कम। तो चलिए आपको ऐसे टॉप 5 खिलाड़ियों की बात बताते हैं। सबसे पहले खिलाड़ी हैं रचिन रविंद्र। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र को चेन्नई सुपर किंग्स ने 1,80,00,000 रुपए में खरीदा। पैसे के हिसाब से बात साफ है कि चेन्नई को इतने पैसों में एक हीरा मिला है। हाल ही में भारत में हुए वर्ल्ड कप में रचिन का प्रदर्शन कमाल का था। रचिन ने वर्ल्ड कप में 578 रन बनाए, 100 से ज्यादा की एवरेज थी। इसके अलावा रचिन ने 5 विकेट भी हासिल किए। जिस कप्तान के अंडर रचिन खेल रहे हैं वो पहले ही कई युवा खिलाड़ियों को ग्रूम कर स्टार बना चुका है। हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की। ऐसे में रचिन आने वाले लंबे समय तक सीएसके के लिए एक बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं। उम्मीद की जा रही थी कि रचिन कम से कम 10 करोड़ रुपए तो इस ऑक्शन में लेकर ही जाएंगे और टीमों के बीच उनके लिए होड़ भी मच जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और उनके लिए टीमों ने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अगले खिलाड़ी हैं शार्दुल ठाकुर। भारत के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 करोड़ रुपए में खरीदा। शार्दुल को गोल्डन आर्म्स कहा जाता है क्योंकि जब सामने खतरनाक पार्टनरशिप दिख रही होती है तो ऐसा माना जाता है कि अक्सर शार्दुल आते ही उसे खत्म कर देते हैं। शार्दुल की पेस में वेरिएशन भी अक्सर काम में आ जाती है। यह भी कहा जाता है कि शार्दुल मुश्किल वक्त में बल्ले से भी कमाल कर देते हैं और टीमों को यदाकदा मुसीबत से निकालने में भी कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं हैरी ब्रूक की। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 करोड़ रुपए में खरीदा। पिछले ऑक्शन में हैरी ब्रूक तकरीबन 13 करोड़ रुपए में बिके थे। जी हां, 13 करोड़। पिछले सीजन में हैरी ब्रूक का मामला कुछ फीका ही था, लेकिन उसके पोटेंशियल के हिसाब से उन्हें ठीक ठाक रकम तो मिल ही चुकी है। पीएसएल के दौरान हैरी ब्रूक का वो छक्का खूब वायरल हुआ था, जहां उनका मारा हुआ छक्का सड़क पर जाकर गिरा था। लगता है सनराइजर हैदराबाद तक भी वो वीडियो पहुंच गया था। अब बात करते हैं जेराल्ड कोइट्ज़ी की। साउथ अफ्रीका ऑलराउंडर जेराल्ड कोइट्ज़ी को मुंबई इंडियंस ने 5 करोड़ रुपए में अपनी टीम का हिस्सा बनाया। कोइट्ज़ी अभी ही हाल ही में हुए इंडिया में वर्ल्ड कप को खत्म करके आए हैं, जहां उनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि वो टॉप 5 गेंदबाजों में शामिल हुए। अच्छी पेस और उससे भी अच्छी पेस वेरिएशन उनकी मदद करेगी। कोइट्ज़ी 23 साल के हैं, इसलिए मुंबई की फ्रेंचाइजी उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में भी देख सकती है, बशर्ते वो अपने पैरों और मांसपेशियों का कुछ अच्छा खासा ध्यान रखें। अब बात करते हैं वनिंदु हसरंगा की। श्रीलंका के ऑलराउंडर वनिंदु हसरंगा को सनराइजर्स हैदराबाद ने 1,50,00,000 रुपए में खरीदा। आप कह सकते हैं कि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछले सीजन में उन्हें 11.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। लेकिन जिस तरह से उनकी अवेलेबिलिटी के सामने हमेशा एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, इसीलिए सभी फ्रेंचाइजीज इस मामले में थोड़ी कॉशियस रहीं और इसका खामियाजा हसरंगा को भारी नुकसान उठाकर भुगतना पड़ा। बहरहाल, इन 5 खिलाड़ियों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।